पत्रकारिता की ये ठग विद्या पुरानी है। एनडीटीवी को इस पत्रकारिता का मक्का या वेटिकन जो ठीक समझें कह सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि निधि राजदान के साथ कोई धोखा हुआ है तो आप गलत हैं। वास्तव में निधि राजदान आपको और दुनिया को धोखा दे रही हैं। हार्वर्ड की असली कहानी कुछ और ही है। इस बात को समझने के लिए आपको एनडीटीवी और उसकी पत्रकारिता के इतिहास को समझना होगा। इस वीडियो को देखिए। सदी के महानतम स्वयंभू पत्रकार रवीश कुमार हार्वर्ड के कैनेडी स्कूल में एक सेमिनार में भाषण दे रहे हैं। ये 10 फरवरी 2018 का वीडियो है। इसी के बाद उन्होंने जज लोया की मौत और राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर फेक न्यूज की भरमार लगा दी थी। हार्वर्ड का ये कार्यक्रम प्रायोजित था ताकि जब रवीश कुमार देश में लौटकर भाजपा सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू करें तो उनकी बातों को लोग गंभीरता से लें। लेकिन जनता झांसे में नहीं आई। घोटाले की सारी कहानियां कोर्ट में फर्जी साबित हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद रवीश कुमार अवसाद में न चले जाएं, इसके लिए एनडीटीवी ने अपने इंटरनेशनल वामपंथी कनेक्शन का इस्तेमाल करके उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार दिलवा दिया। रवीश कुमार का सम्मान बहाल हो गया और वो पहले की तरह झूठ फैलाने के धंधे में लौट आए। निधि राजदान के हार्वर्ड की प्रोफेसर बनने की दंत कथा भी इसी आधार पर गढ़ी गई थी। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर को लेकर भारत विरोधी दुष्प्रचार के लिए एक चेहरे की आवश्यकता थी। निधि राजदान कश्मीरी पंडित हैं, उनकी बातों का असर अधिक होता। तैयारी उसी की थी, लेकिन बीच में कहीं न कहीं बात गड़बड़ हो गई। अब भले ही दुनिया भर में नाक कट गई, लेकिन कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम निधि राजदान को अकेला नहीं छोड़ेगा। रवीश कुमार की तरह ही इनका भी रिहैबिलिटेशन होना तय है। जैसे रवीश कुमार को मैग्सेसे मिला, वैसे ही निधि राजदान को भी कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। आप बस देखते जाइए।